अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। और एकदम बादल घिरे हुए, बारिश का नामो निशान नहीं, इनको मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सुनने को तैयार नहीं है। और बस मैं बोल रही थी कि कहीं ले चलो, इच्छाएं ऐसी हो रही है घूमने की, पता नहीं क्यों मन कभी कभी करता है कहीं बाहर जाते, तो बोल रहे हाँ अबे चलबू अबे बुनी पड़े लगी, लेकिन बुनी पड़त नहीं खे, ये देख लीजिए। और आज है सुपर 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 संडे, तो नॉर्मल मैं सोची कि दाल चावल रोटी सब्जी, तो अरे मैं बोलती वो तो हम रोज़ खाते हैं, तो रोज़ ही वही चीज़ें बनती है सबके यहाँ बेटा, लेकिन समझने को तैयार नहीं। तो मैंने रात को ही चने गलाए थे, मैं सोचा छोले बना दूँगी अच्छा लगेगा उसको, तो चलिए अभी बनाया नहीं है, चलते हैं किचन में। आई जी, ए जी, सुनते नहीं हैं, मतलब क्या बोलूँ, अगर किसी चीज़ में एक चीज़ में धुन रमा लिए ना, तो फिर उसी चीज़ को करते रहेंगे, सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। और हमारे यहाँ चल रही है संडे को टीवी चल रही है। तो आज नाश्ते में है ये गरम गरम रोटियाँ, और साथ में आलू और परवल की जो एकदम जूस वाली सब्जी होती है ना, रस्सेदार वाली सब्जी, हमारे यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं हम रस्सेदार सब्जी को, तो ये है। तो आ जाइए आप सब भी, तो सबसे पहले करते हैं हम आज का नाश्ता और फिर शुरू करते हैं अपना काम। और यहाँ पे देखिए आज मैंने टीवी की, मतलब मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की थी, तो वो चमक रहा था, तो वही मैं देख रही थी पास आके, तो और मैं बोल रही थी थैंक यू मम्मा, और आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। मेरा बहुत शौक था कि मेरे घर में एक टीवी हो, तो वो आप सबके सपोर्ट और माता रानी की कृपा से संभव हो पाया है। छोले मतलब काबुली चने, बहुत सारे लोग इसको छोले बोलते हैं, हम तो चना बोलते हैं हम लोग, तो इसको मैंने भिगो के रख दिया था, और देखिए एकदम फ्रेश फ्रेश से ये चने, और चाय पत्ती इसके साथ में, ये एक बड़ी इलायची, काली मिर्च, और ये रहा दालचीनी, इसको हम बांध लेंगे ताकि उबलते समय इसको हम चने के साथ में इसको भी उबालेंगे। तो अब हो गई है थोड़ी सी थकान ज़्यादा, और मैंने पूरा आज दिन में क्या किया था, सुबह का ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है, जो मैंने एक रूटीन ब्लॉग बनाया हुआ था, उसमें आपने देखा ही होगा पूरा किचन की क्लीनिंग बाकी थी, ये पीछे जो पाइप नहीं डलवाई है उधर से क्लीनिंग, वॉशरूम, इतना सारा, मतलब छोटे 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 काम हो जाते हैं। और ये पूरा बेड देखिए, इतना धूल जमा था, सारा कुछ क्लीन करके बस ये सारी चीज़ें मेरे को ऑर्गेनाइज़ करनी है, बाकी इस पर कहीं धूल धक्कड़ मिट्टी कुछ नहीं जमी है, पूरा एकदम बेड जो है वो क्लीन कर दिया। और ये वाली ब्लाउज़ देखिए, ये मैं किसी दिन पहनूंगी, तो ये पूरे स्टिच करके इसमें ना, अभी मैं हुक और डोरिया ये सब बैठ के यहाँ पे लगा रही थी,
तो मैं सोचा कि मैं चलिए थोड़ी देर आप सबसे बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना ब्लॉग में अगर मैं बातें थोड़ी ना करूँ ना तो पता नहीं क्यों पूरा अधूरा अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कुछ तो छूट रहा है, इस तरीके से चीज़ें लगने लगती हैं। तो बस थोड़ी देर बाद अभी मिलूँगी, क्योंकि आराम कर लूँ थोड़ा सा, फिर मैं थोड़े टाइम के बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो शाम का टाइम था और एक यहाँ पे पार्सल रिसीव हुआ था जो रम्या के लिए स्पेशली बनवाया गया है। इस जो प्लेट है, कटोरी है और ये जो ग्लास है, उस पर रम्या के नाम लिखे हुए हैं और बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैं इन्हीं सब छोटे छोटे चीज़ों में खुश होती हूँ, मैं बस खुश हो जाती हूँ। तो यही मैं इनको खुशी के मारे दिखा रही थी कि ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ऐसे चाहें तो हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि हम इनके लिए बनवा देते हैं, ख़ास लोग हैं उनके लिए हमें बनवाना है, मतलब छोटी सी वो भी बच्ची हैं। तो अभी तो ये सरप्राइज़ है, इसलिए मैं बताऊँगी नहीं अभी आप सबको। तो अगर आपको लेना होगा तो मैंने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके की बना सकते हैं आप। वहाँ पे फ़ोटो चूड़ा वगैरह भी बनता है, बिकॉज़ ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। मुझे इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा वाकई बहुत अच्छी लगी, क्योंकि क्या होता है कि नाम लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मतलब जो भी ये स्टेनलेस स्टील के बर्तन थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो वही मैं रम्या के पापा को बस दिखा रही थी और मैं खुश हो रही थी। तो ये मेरे को अभी पार्सल रिसीव हुआ, कितना प्यारा है। तो ऐसे छोटे छोटे सपने हैं जो मैंने अपने भी पूरे किए, अपने बेटी के भी पूरे करने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैंने रम्या के लिए बनवाया, और अगर आप भी ऐसा बनवाना चाहते हैं तो वैसे ये YouTube के लिए स्पॉन्सर नहीं है, तो मैं इनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इनको मैसेज कर सकते हैं। और इस तरीके कस्टमाइज, क्योंकि इनके पेज पर जब मैंने विज़िट किया था ना तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे कस्टमाइज हैं जो इनके यहाँ पे बनते हैं। तो आपको अगर बनवाना होगा इस तरीके से, आपको अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो अपनी सिस्टर को, अपने भाई को आप गिफ्ट भी कर सकते हो इस तरीके से, प्लेटें वगैरह बनवा के। या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब फ़ोटो फ्रेम है, और मतलब ये तो मैं सारे चीज़ों का नाम लेने बैठूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इनके यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूँगी, या फिर उनका लिंक जो है इंस्टा का, वो कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगी वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी। तो आप अगर लेना होगा तो ले लीजिएगा, धीरे धीरे होने वाली है शाम, और कल है जो सावन सोमवार का व्रत। तो हम मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तैयारी कर लीजिए कल जितने भी लोग व्रत रहने वाले हैं। हर हर महादेव। और इतना खूबसूरत व्यू देखिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे बादल नीचे आ जाएंगे, या फिर कोई फ़ोटो फ्रेम है ये रियल में नहीं है। और हल्की हल्की सी धूप, बादल, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो आप सबके साथ मैंने शेयर कर दिया। तो चलिए हम मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के